हेलो दोस्तों, प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, आप मुझसे कई सारी सोशल मीडिया वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये सब माध्यमों के जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हो। दोस्तों, आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं राज सर, जो कि इंडक्शन चूल्हा रिपेयरिंग के स्पेशलिस्ट हैं। उनको कोई भी इंडक्शन चूल्हा दे दो, आराम से रिपेयर करके आपको सिखा देंगे। सो आज मेरे साथ में जुड़े हुए राज सर, और आज हमें एक सर्किट के प्रॉब्लम के बारे में सिखाया गया, उसको रिपेयर करके पूरा बताया गया, इंडक्शन चूल्हा चालू करके। इस सर्किट में क्या प्रॉब्लम है, कैसे रिपेयर किया जाता है पूरी सर्किट, ये पूरा आपको डीपली इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझिएगा और उसको खुद रिपेयर करने की कोशिश कीजिएगा। जानकारी के लिए बताओ तो हम लोग ने इस तरीके से कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी शुरू करके रखे हुए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, डिजाइनिंग रिलेटेड कोर्सेज है, इंडक्शन रिपेयरिंग के रिलेटेड कोर्सेज है, ऑटोकैड के रिलेटेड कोर्सेज है, वैसे कई सारे कोर्सेज है, कंप्यूटर बेसिक्स है, टैली है, एडवांस एक्सेल, जैसे कई सारे कोर्सेज शुरू करके रखे हुए। अगर ये कोर्सेज आपको करना है तो यहाँ पे जो आपको व्हाट्सअप नंबर जो दिख रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर खाली हाई का मैसेज डाल दीजिए तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अधिक जानकारी लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि पहले व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट करें, उसके बाद में नहीं समझ आता तो आप कॉल कीजिए। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। याद रखिए कि ये वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर, बिकॉज इसमें बहुत अहम जानकारी दी गई है सर्किट रिपेयरिंग के रिलेटेड। तो ये वीडियो को अंत तक देखिए, समझे और खुद उसको रिपेयर करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, एक खैतान कंपनी के इंडक्शन, इसको रिपेयर करने के लिए जा रहा हूँ मैं। इसमें प्रॉब्लम देखते हैं एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इसको ओपन करके रखा हूँ, इसको बाहर निकालूंगा। ये देख, ए दोस्तों, मेरा पीसीबी हो गया। इसमें क्या हुआ था कि 15-20 दिन पहले इसको मैं रिपेयर करके दिया था, यानी मेरे ही शॉप से रिपेयर करके रिपेयर हुआ था, मैं रिपेयर नहीं किया था, कोई और रिपेयर किया था मेरे ही शॉप से। तो इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम देखते हैं क्या हुआ, क्या क्या इसमें रिपेयर हुआ है। देखिए, पहले से फ्यूज तो सही है, उसके बाद देखते हैं एक्चुअली वाइपर बारा आईसी दिख रहा है, यहाँ पे टाका लगी हुई है, रेजिस्टेंस जो 22 ओम का है वहाँ पे भी इसका रिपेयर, रेजिस्टेंस 22 ओम का लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या था और कहाँ से। तो सबसे पहले इसको मेन सप्लाई देख के देखते हैं। ये देखिए, मैं मेन सप्लाई दे दिया, ये मेन सप्लाई मेरी कुछ आवाज़ नहीं आ रही है, बंद है, पूरी डेड है इंडक्शन मेरे कनेक्ट, मतलब इंडक्शन पूरी डेड है। तो इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली क्या हो सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको ना क्वाइल को बाहर निकाल देता हूँ, क्या है इसमें आपको अच्छे से समझाते बनेगा मेरे। ये मेरा पीसीबी हो गया, ये पूरी डेड है, डेड कहने का मतलब यानी पूरी इंडक्शन मेरी बंद है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इस हालत में आपको चेक करने के लिए आपको बता रहा हूँ कहाँ से शुरू करें चेक करना। तो इसमें आपको सप्लाई ना लेके बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या सप्लाई चेक करेंगे, मेरे डीसी सप्लाई चेक करेंगे, डीसी सप्लाई आपको चेक करना है, सॉरी एसी सप्लाई चेक करना है आपको, उसके बाद डीसी सप्लाई चेक करना है। तो सबसे पहले मैं एसी के रेंज में सेट कर लिया इसको, अब यहाँ पे मैं इसको लगा रहा हूँ। ये देखिए, लगाने के बाद में एसी सप्लाई में हो गया मेरा। अब देखते हैं, सबसे पहले क्वाइल का दोनों पॉइंट है यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मेरी सप्लाई आ रही है, ये 175 एसी सप्लाई हो गया, फिर फ्यूज मेरा सही है, ओपन नहीं है, इस बार भी सप्लाई आ रही है देखिए। उसके बाद क्या करेंगे, जस्ट सबसे पहले अब डीसी में सेट कर लेते हैं मल्टीमीटर को, डीसी सप्लाई सेट में चेक करेंगे, और उसके बाद जैसे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड आपको कहीं नहीं चेक करना है, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के पास एसी सप्लाई पहुंच गई, अब डीसी सप्लाई चेक करना है। तो यहां से मैं माइनस उठा लूँगा, ये देखिए यहां से माइनस उठा लूँगा और यहां से प्लस उठा लूँगा, ये दोनों किनारे किनारे आपका डीसी सप्लाई रहता है। तो इसको डीसी रेंज में रख दिया हूँ, अब देखिए डीसी सप्लाई कितनी आ रही है, 279 आ रही है, ठीक है। तो ये मेरा 279 है, राइट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इंडक्शन पूरी बंद है, आवाज़ भी नहीं आ रही, नहीं डिस्प्ले आ रही है। तो चेक करते हैं इसमें एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम। तो उसके बाद में जैसे मैं माइनस यहाँ से उठाया, माइनस क्या कर लेता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ माइनस, और मैं यहाँ से आपको प्लस चेक कर रहा हूँ। प्लस कहाँ पर चेक करना है, जहाँ पर दो डायोड लगी रहती है 4000 वहाँ पर आपको चेक करना है। तो देखिए, दोनों डायोड को चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर सप्लाई आ रही है 181 आ रही है, और इस पर चेक करते हैं जहाँ पे 22 ओम का रेजिस्टेंस सप्लाई आगे बढ़ती है, यानी वाइपर बारा आईसी में जाती है, पावर एसएमपीएस जिसको बोलते हैं वहाँ जाती है, इस पर नहीं आ रही है, इस पर आ रही है, ये देखिए इस पर नहीं आ रही है। तो चलिए दोस्तों, एक बार पीसीबी को मैं फ्रंट साइड से आपको चेक करके बता रहा हूँ। तो फ्रंट साइड से चेक करने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें, अब देखिए, अब यहाँ पे जो दिख रहा है ना 22 ओम का रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा,
ये दिख रहे 22 ओम का रेजिस्टेंस, एक क्या है इधर सप्लाई आ रही है इधर सप्लाई नहीं आ रही है, तो इसका कहने का मतलब रेजिस्टेंस तो फूटा मेरे को दिख रहा है। अब ऐसे हालत में आपको चेक नहीं करना है सप्लाई को, क्या करना है सीरीज में लगा के रेजिस्टेंस को शॉर्ट करके देखना है। 22 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको शॉर्ट कर सकते हो तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मेरा वाइपर बार आईसी शॉर्ट है। अगर मान लो सीरीज बल्ब जल जाएगा आपका तो समझ लो वाइपर बार आईसी शॉर्ट है, अगर बल्ब नहीं जलता है अगर तो अगर आवाज़ आ जाती है तो समझ लो रेजिस्टेंस ओपन हो गया है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे एक बार लगा दिया इसको, ये लगाने के बाद में कहीं नहीं टच करना, आपको 22 ओम के रेजिस्टेंस में टच करना है। ये देखिए आवाज़ आने लगा मेरा, थोड़ी सी कम आवाज़ आ रही है, ये देखिए यानी इसका मतलब क्या है मेरा इंडक्शन का जो इंडक्शन में 22 ओम के रेजिस्टेंस लगी है वही ओपन हो गया है। तो इससे मैं आपको बता देता हूँ जो ये देखिए 22 ओम का रेजिस्टेंस क्या है ओपन हो गया, इसके नाम से क्या होता है कभी कभी सप्लाई जो अप डाउन आगे पीछे होती रहती है तो रेजिस्टेंस के ऊपर लोड पड़ता है, रेजिस्टेंस के ऊपर लोड पड़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या ओपन हो जाती है पहला स्टेप में। और दूसरा स्टेप में क्या होता है कि अगर वाइपर बार आईसी, ये देखिए वाइपर बार आईसी आप देख रहे हो ना, अगर ये आईसी शॉर्ट होती है तो रेजिस्टेंस से 22 ओम का ओपन होना जरूरी है। अगर रेजिस्टेंस 22 ओम का नहीं होगा तो आपका माइक्रो कंट्रोलर आईसी उड़ जाएगा, नहीं तो इधर एसएमपीएस में खराबी आ जाएगी, आपका इंडक्शन की पीसीबी पूरी तरह से खराब हो जाएगी। तो इसी के नाम से कंपनी वाले 22 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं। कोई कोई क्या करते हैं यहाँ पे जम्पर डाल देते, तो आपको जम्पर नहीं डालना है, यहाँ पे फ्यूज जैसे नहीं बांधना है। आपके पास अगर 22 ओम का रेजिस्टेंस होगा तो 22 ओम का लगा दो, 56 ओम का होगा तो 56 ओम का लगा दो। तो मैं इसमें 22 ओम का रेजिस्टेंस कितना दिन आज से 10-15 दिन पहले डाल के दिया था लेकिन फिर से प्रॉब्लम आ गई। तो प्रॉब्लम क्या होती है रेजिस्टेंस इसमें नहीं चल पा रहे, तो इसमें क्या करूँगा मैं एनटीसी, आपको मैं जब भी बताता हूँ देखिए पावर सप्लाई में क्या डालूंगा एनटीसी। और मेरा भरोसा है कि अगर एनटीसी डालूंगा तो कम से ये तो आपका लाइफ इसका जिंगल अलग हो जाएगा, यानी समझ लीजिए कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। कभी कहने का मतलब अगर वोल्टेज हाई वोल्टेज आ गया तभी प्रॉब्लम आएगा, ऐसे रेजिस्टेंस जो 22 ओम का रेजिस्टेंस 15 दिन पहले डाला था अभी ओपन हो गया था लेकिन इसका कंप्लेन नहीं आएगा। कहता हूँ यहाँ पे एनटीसी लगाता हूँ, हाई वोल्टेज आता है तभी उड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है कि चलिए मैं यहाँ पे एक एनटीसी डाल देता हूँ, उसके बाद आपको चेक कर रहा हूँ, उसके बाद आपको चालू करके बता रहा हूँ। तो उससे पहले क्या करूँगा मैं एक छोटी सी डायग्राम है मेरे पास, आपको डायग्राम में समझाता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैं आपके सामने एक डायग्राम लाया हूँ, इसको डायग्राम में आपको बताना है। जैसे मान लीजिए मैं चेक किया हूँ सप्लाई, क्या चेक किया हूँ, जैसे यहाँ पे दो आपको बोला हूँ ना दो डायोड लगे हैं, तो ये देखिए दो डायोड हो गया, ए डायोड एक हो गया, ए एक हो गया, 4007 डायोड है। और यहाँ से एसी सप्लाई करने का मतलब देखिए जो डायोड लगी रहती है दो डायोड एक न्यूट्रल एक फेज यानी एसी सप्लाई में आती है, एसी सप्लाई से थ्रू होकर आगे बढ़ती है, क्यों आगे बढ़ने के बाद में आपको एक और डायोड मिलेगी, ठीक है एक और डायोड मिलेगी 4007। ये टोटल एसएमपीएस में तीन डायोड लगी रहती है, दो डायोड हो गया एक डायोड 4007। और यहाँ से क्या होता है 22 ओम का रेजिस्टेंस लगी रहती है, जो 22 ओम का रेजिस्टेंस से आगे सप्लाई कहाँ 450 कैपेसिटर में जाती है, यानी 450 का मेन फिल्टर जो लगा रहता है वहाँ जाती है। उसके बाद फिल्टर होके ये सप्लाई कहाँ पर जाएगी आपका एक ट्रांसफार्मर में होके आपका वाइपर बार आईसी में जाती है। तो आगे नहीं बढ़ने हमको, धीरे धीरे स्टेप बना रहा हूँ, धीरे धीरे मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सिखाऊंगा तो आपको कैच जल्दी करेंगे। तो इससे पहले कि आपको बताया था देखिए 22 ओम का रेजिस्टेंस है ना, तो मैं 22 ओम के रेजिस्टेंस के जगह पे आपको बताया हूँ ना क्या डालूंगा एनटीसी डालूंगा, उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम नहीं आएगा आपका बार बार। ये क्या होगा जो 22 ओम का रेजिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ये देखिए एनटीसी लगा दूंगा ऐसे, तो काम वही करेगा लेकिन सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा है। यानी इसको लगाओगे तो जैसे मैं 15 दिन पहले लगा के दिया था 22 ओम का रेजिस्टेंस ओपन होकर आ गया फिर से, यानी आईसी तो शॉर्ट नहीं हुआ है, रेजिस्टेंस इसके पहले भी रेजिस्टेंस ओपन हुआ था अब भी रेजिस्टेंस ओपन हो रहा है। तो ऐसे आपको कब लगाना है, जब आप लगा के देते हो अगर 15 दिन में वापस आ जाता है तब आपको रेजिस्टेंस एनटीसी को लगाना है। ऐसे नहीं कि आप एक्सपेरिमेंट करके एनटीसी को नहीं लगाना है, क्योंकि अगर एनटीसी के लगाओगे तो मान लो उसके यहाँ कभी शॉर्ट हुआ तो हो सकता है एनटीसी नहीं उड़े, तो नहीं उड़ेगा तो आपका वाइपर बार आईसी आगे जो सप्लाई जाती है वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसके नाम से अगर आप रेजिस्टेंस ओपन हो जा रहा है 10 दिन 15 दिन एक मंथ में तो वहाँ पे आप एनटीसी को लगा सकते हैं, उससे आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये देखिए मैं आपको एक बार डायग्राम में समझा दिया, समझने के लिए आप एक बार ध्यान दीजिए। एसी सप्लाई हो गया, एसी सप्लाई के दो डायोड लगा है 4007, ये दोनों आके आपस में पॉइंट क्या होता है शॉर्ट होती है, यानी समझ लीजिए एक ही प्रिंट है, ये अलग से सप्लाई आती है, इस ये अलग से सप्लाई आती है, फिर यहाँ से एक प्रिंट बन जाती है, फिर यहाँ से एक ट्रैक होके धीरे से एक और डायोड लगती है जो फ्योर इसको डीसी करने के लिए एक और डायोड लगा के यहाँ पे 22 ओम का रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पे 450 एमएफडी का कैपेसिटर मेन फिल्टर सप्लाई बोलते हैं फिल्टर के लिए लगाती है, उसके बाद ही आगे सप्लाई जाती है। तो चलिए दोस्तों ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा, तो एक बार मैं क्या करूँगा वहाँ निकाल के इस एनटीसी को लगाऊंगा, एनटीसी लगाने के बाद एक बार और इसको चालू करके आपको दिखाता हूँ बराबर। तो
चलिए मैं एक बार NTC को लगा लेता हूँ। यहाँ से आराम से रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम थी तो रेजिस्टेंस को निकाल के आराम से इसको NTC को लगाना है। यहाँ से बाहर निकालना है, ये बाहर निकल गया है। रेजिस्टेंस कितने का है? 22 ओम का रेजिस्टेंस क्या, देखिए ओपन हो गया है, फट भी गया, आपके सामने दिख रहा होगा। तो फिर से ट्रैक को अच्छे से साफ कर लेते हैं, उसके बाद NTC को लगा देते हैं और चालू हो जाएगी इंडक्शन आपका। उसके बाद प्रॉब्लम आपका SMPS का नहीं आएगा मेरे हिसाब से, ऐसे मैं जब भी लगा कर देखता हूँ तो प्रॉब्लम नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों मैं NTC को PCB में लगाने जा रहा हूँ। यदि तो दोस्तों मैं NTC को लगा दिया यहाँ पे, देखिए अच्छे से। उसके बाद इसको लेग को मैं आप हटा दूंगा यहाँ से। तो चलिए दोस्तों ओके हो गया। अब एक क्या करेंगे, जब आपको सप्लाई चेक करके दिखाया हूँ, अगर आपका वाइपर बार, एक बार और आपको समझा देता हूँ, भले लंबा वीडियो बन जाए, एक बार और आपको समझा देता हूँ, समझिए। NTC अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आता है, अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे ओपन होता है, तो आपको सीरीज में पहले AC सप्लाई को देना है, सीरीज में देना है, डायरेक्ट नहीं देना है। सीरीज में सप्लाई देने के बाद आप सप्लाई इधर नाप लीजिए, इधर आपको कम से कम DC सप्लाई आपका 200 के करीब आएगा, फिर इधर सप्लाई नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए NTC या 22 ओम का रेजिस्टेंस ओपन है। तो उसको आपको शॉर्ट करके देखना है, सबसे पहले आपको शॉर्ट करके देखना है या नया लगा के देखना है। सबसे पहले आपको शॉर्ट करना है, नया नहीं लगाना है। अगर नया लगाओगे तो फिर ओपन हो जाएगा, तो आपको शॉर्ट करके देखना है, मल्टीमीटर के प्रॉड से शॉर्ट करके देखना है, सीरीज में रख के ना। अगर आपका बल्ब क्या होता है फूल जाता है, नहीं शॉर्ट बताता है, आपका बल्ब शॉर्ट बता रहा है आपका, तो क्या करना है, वाइपर वाला IC यानी 99% वाइपर पर IC क्या होती है, शॉर्ट होती है। तो आपको वो ऐसे प्रॉब्लम में IC को निकाल के दूसरी IC रिप्लेसमेंट करके उसके बाद फिर से यहाँ पे NTC डालो या 22 ओम का रेजिस्टेंस डालो। अगर 22 ओम का रेजिस्टेंस नहीं मिलता है तो 56 ओम का भी डाल सकते हैं, 51 ओम का भी डाल सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको बताया हूँ, जो देखिए यहाँ पे दो सप्लाई का वायर वगैरह, यहाँ पे एक ठो ए वायर वगैरह, एक ठो यहाँ पे दिख रहे हैं वायर, और यहाँ पे देखिए जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो आपको डायग्राम में बताया हूँ, ये देखिए जो डायोड लगाए, दो डायोड यानी 4060 डायोड, एक एक डायोड का पॉइंट हो गया, एक डायोड का एक पॉइंट हो गया। यहाँ से AC सप्लाई, यहाँ से AC सप्लाई आपका N आएगा और यहाँ से L आएगा, दोनों सप्लाई आगे जाएगा तो DC सप्लाई दोनों एक साथ ज्वाइंट होगा, इसके प्लस के दोनों पॉइंट हैं तो एक साथ ज्वाइंट होगी। फिर यहाँ से प्लस के दो पॉइंट जो ज्वाइंट होने से आगे आपका एक डायोड A हो गया और एक डायोड A हो गया, तीनों डायोड आपका 4007 हो गया, SMPS में लगा रहता है। यानी हर कंपनी के इंडक्शन में तीन ठो डायोड लगा रहता है 4007 SMPS के लिए। फिर उसके आगे जो आप 22 ओम का रेजिस्टेंस दिख रहे हो, एक 22 ओम का रेजिस्टेंस है, ये यहाँ से सप्लाई आपको मान लो 220 आ गया, यहाँ पे तीन डायोड लगने के बाद में सप्लाई आपको करीब यहाँ पे 200-250 सप्लाई जो भी आ रही, समझ ली 240, यहाँ पे DC 240 वोल्ट आ गया। फिर आगे सप्लाई जाने, आगे सप्लाई 240 वोल्ट कहाँ जाता है, आपका सीधे मेन फिल्टर 400-450 का जो मेन फिल्टर लगी रहती है, यानी 10 MFD का अधिकांश, 10 MFD का 450 वोल्ट का मेन फिल्टर लगी रहती है। उसके बाद मेन फिल्टर से सप्लाई कहाँ पे जाएगी आपकी, वो SMPS में जाएगी। तो मैं आपको चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, जब भी ऐसा प्रॉब्लम आता है आपका इंडक्शन बंद होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, फ्यूज को चेक करते हैं। उसके बाद धीरे से यहाँ पे सप्लाई नाप लेते हैं कि यहाँ पे सप्लाई DC मेरा डायोड, जहाँ तीन डायोड लगी रहती है यानी मेन फिल्टर में सप्लाई नाप लेंगे, यहाँ पर नहीं आएगी तो उसके बाद रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। फिर रेजिस्टेंस के इस पार तो सप्लाई आनी चाहिए, इस पर कम से कम 240 आएगी। तो क्या होगा कि समझ लीजिए, अगर रेजिस्टेंस के पास यानी सप्लाई रेजिस्टेंस पास कर रहा है, आगे सप्लाई भेज रहा है तो रेजिस्टेंस ठीक है, अगर नहीं भेज रहा है तो रेजिस्टेंस क्या है, ओपन हो गया है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको मैं बता रहा हूँ डायग्राम में क्या होता है कि ये देखिए वाइपर वाला IC दिख रहा है शॉर्ट रहती है। इसको चेक करने के लिए अगर ऐसे प्रॉब्लम होता है तो अगर रेजिस्टेंस को चेक करना है तो सीरीज में लगा के आपको रेजिस्टेंस को शॉर्ट करके देखना है। अगर आपका सीरीज बल्ब जल जा रहा है, ग्लो हो जा रहा है, तो समझ लीजिए क्या है, जो वाइपर बार आपको IC दिख रहा है शॉर्ट हो सकती है। अगर बल्ब नहीं जल रहा है, बीप का आवाज़ आ रहा है, तो आपका समझिए SMPS दिख रहा है, SMPS सही है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको वाइपर बार IC और SMPS ट्रांसफार्मर और एक तो जीना डायोड 18 वोल्ट का लगी रहती है, वो खराब हो सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि ऐसे प्रॉब्लम में आप क्या करो कि अगर ये रेजिस्टेंस 22 ओम का ओपन था तो जैसे मैं शॉर्ट किया, उसको आपको शॉर्ट करके देखना है, यानी सीरीज में रख के शॉर्ट करके देखना है। अगर आपका बल्ब जल जा रहा है तो क्या है, वाइपर बार IC शॉर्ट है। अगर नहीं जल रहा है तो अभी से भी वाइपर बार IC क्या होता है, ओपन होता है। वाइपर बार IC अधिकांश शॉर्ट होता है, ओपन बहुत कम होता है।
तो चलिए दोस्तों, अगर आपके पास ऐसे प्रॉब्लम आता है, 22 ओम का रेजिस्टेंस क्या होता है 10 दिन 15 दिन में ओपन हो जा रहा है लोड पड़ने के ऊपर, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एनटीसी डाल सकते हो। यहाँ पे आप एनटीसी डालोगे तो ये इसकी जो लाइफ है, लाइफ की टाइम बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये डायग्राम आपको समझाने में आते हो, लेकिन आपको 22 ओम से ऊपर डालना है, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा मानकर नहीं डालना है, लेकिन आपको ओम में ही डालना है। 2251 ओम 56 ओम तक डाल सकते हो। अगर नहीं होता है अवेलेबल तो आप एनटीसी को लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को आप दूर से कर सकते हो। तो चलिए मैं आप इस पर एक बार चेक करके आपको बता रहा हूँ, और थोड़ी सी हीट गर्म करूँगा इसको। चलिए दोस्तों, ओके हो गया। मैं इस पर क्या करूँगा, थोड़ी सी इसको गर्म करके आपको दिखा रहा हूँ। पावर आ गया यहाँ पे, दबाया यहाँ पे और बल्ब जल गया। अब देखते हैं यहाँ से, ये देखिए हीट होना शुरू हो गया। तो ये वीडियो कैसा लगा मेरे को आप कमेंट में बताइए, और प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब कीजिए निकेत शाह प्लस चैनल को, और बेल आइकन का दबाइए लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए।